Assalamu alaikum friends and welcome back to my channel. I hope आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ आज जो है वेडिंग शूज़ कलेक्शन जो है शेयर करूँ. और खैर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अगर पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे. तो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ अपनी भतीजी की शादी की शॉपिंग शेयर करूँगी, शूज़ की शॉपिंग. ठीक है, तो उसने कौन कौन से शूज़ लिए वो आप लोग के साथ दिखाऊंगी. बट उससे उसी के दौरान मैं आप लोग के साथ ये भी शेयर करूँगी कि किस किस टाइप के आप लोग को शादी पे जूते वगैरह लेने चाहिए. तो जी यहाँ पर फर्स्ट जो है ये आ जाते हैं, ये कैजुअल से जूते हैं. नॉर्मली घर के लिए आप पहन सकते हो या कहीं बाहर इधर उधर के लिए, मतलब ज़्यादा वो नहीं है, फैंसी से नहीं है, नॉर्मल से है. तो ये थे एक जूता. और इसके अलावा आ जाते हैं यहाँ पे इस वाइट जूते की तरफ. तो बहुत लाइट से, बहुत डिसेंट से जो है उसने शॉपिंग की थी और उसने मेरी बताई हुई बातों पे अमल किया था. मैंने कहा बहुत ज़्यादा हैवी मत लेना. और आप लोग जो है कभी भी शादी की शॉपिंग करें ना, तो पहले उस बंदे से ज़रूर मशवरा कीजिएगा जो ऑलरेडी मैरिड हो या जो ऑलरेडी जिसकी नई नई शादी हुई हो. तो ज़रूर उन लोगों से मशवरा किया करें, वो आप लोग को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं. तो जी जनाब, उसने मुझसे मशवरा किया था और मैंने यही मशवरा दिया था कि बिल्कुल भी नग शग फैंसी जूते बिल्कुल मत लेना. एक दो ले लो हाँ, ताकि आप अपने ऑब्वियसली आपको अपने जो वेडिंग ड्रेसेस हैं उनके साथ तो पहनना ही है. उसके बाद जो नॉर्मली आप छोटी मोटी हील्स पहनते रहते हैं लॉन्ग शर्ट्स के साथ, तो उस तरह के मैंने उसको मशवरा दिया था कि इसी तरह लो, बाकी जो है कैजुअल से लेना. तो यहाँ पे इसके अलावा, वाइट के अलावा, ये एक जूता आ जाता है, बहुत खूबसूरत है. इसकी तकरीबन 1 से 2 इंच की हील होगी, बिल्कुल मतलब बहुत हाई हील्स नहीं है कोई भी. इसने इस तरह के नहीं लिए जूते, बहुत डिसेंट से किसी भी पार्टी वेयर ड्रेसेस के साथ, नॉर्मल ड्रेसेस के साथ आप इजीली वेयर कर सकते हैं. तो ये इस तरह के थे. तो इसकी प्राइस इससे पहले की जो थी प्राइस आई थिंक 1600 समथिंग आफ्टर डिस्काउंट. आजकल जो है बहुत सारी सेल्स चल रही हैं, तो ये सेल पे उसने लिए हैं सारे जूते, सारे तो नहीं तकरीबन काफ़ी सारे जो है. और एक जो है ये रेड कलर में है, बहुत खूबसूरत. आप कभी भी कोई भी शूज़ लें ना, तो डार्क कलर आप देखिएगा, हमेशा जो है डार्क कलर्स पाँव में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बहुत बहुत खूबसूरत लगते हैं उसमें पाँव. डार्क कलर, ब्लैक कलर स्पेशली, रेड कलर, इस टाइप के जो जूते होते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. और ये किसी भी कपड़ों के साथ आप वेयर कर सकते हैं, जैसे कि वाइट कपड़ों के साथ भी बहुत ज़्यादा चल जाते हैं, आप ब्लैक के साथ भी इसको अच्छे से वेयर कर सकते हैं. तो ये एक है बहुत खूबसूरत से. अच्छा, प्राइसेस यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत फोकस उस पर की हुई है. अगर आप मैं जल्दी जल्दी, मैं वैसे तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, आगे निकल जाती हूँ. तो आप लोग अगर आप लोगों को प्राइस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो आप उसको वीडियो को स्टॉप करके, पॉज करके उसको आप प्राइस चेक कर सकते हैं. हाँ, अच्छा ये वाला जो जूता है ना, ये जो है ये लोकल मार्केट से लिया था. आई थिंक 500 to 600 की रेंज में है ये. ये भी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल फ्लैट से है, आप कैजुअल कपड़ों के साथ वेयर कर सकते हैं, कुर्ते वगैरह के साथ वेयर कर सकते हैं. अच्छा, बाकी जितने भी जो है ना जूते, वो ज़्यादातर स्टाइलो के थे और एक और कौन सा ब्रांड था, अब नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ज़्यादातर स्टाइलो के हैं. तो ये आप देख सकते हैं, ये है एक फ्लैट सा, इसकी जो प्राइस है वो भी यहाँ मैंशनड है. तो ये मेरे ख्याल में 1600 to 1700 की रेंज में थे ये वाले. तो ये भी बहुत प्यारे हैं, क्यूट से हैं, क्योंकि आप शादी के बाद जो है ना बहुत फैंसी कपड़े आप घर में नहीं वेयर कर सकते. हाँ, आप 2-3 ऐसे जूते ले लें जो आप बाहर कहीं जाने के लिए, जैसे शादियों पे पहन ले आप, एक दो बंदे को काफ़ी रहते हैं बहुत सालों तक. तो इसके अलावा जो है कैजुअल कपड़ों के साथ उसने मैचिंग जूते लिए थे. अभी खैर और भी लेने हैं, लेकिन फ़िलहाल ये जो जूते थे ये मैंने आप लोग के साथ शेयर किए. और इसके अलावा आप यहाँ पे मैं हैंडबैग्स भी दिखा देती हूँ. 2 हैंड्स बैग लाई थी वो, तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत हैंडबैग था. ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, थोड़ा इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी अंदर, काफ़ी थोड़ा बड़ा सा था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा ये. और इस बैग की प्राइस आपको यकीन नहीं आएगा, ओनली
1500 में ये बैग उसको मिला था सेल पे, तो मुझे तो बहुत पसंद आया था, मैंने कहा मैं भी जाके लूँगी। तो ये जो इस बैग की प्राइस थी वो 1500 थी जस्ट। और इसके बाद ये ऑफ वाइट स्किन कलर, जो भी कलर कह लें आप, ये वाला कलर था, ये बहुत खूबसूरत बैग था, और ये बैग उसको 1000 रुपीज़ में पड़ा था। मैं तो हैरान हो गई भाई, 1000 और 1500 के रेंज में इतने अच्छे बैग्स कहाँ से आ जाते हैं। तो खैर ये उसने सेल पे लिया, आजकल काफ़ी सारी सेल्स लगी हो, जब भी आपने अपनी वेडिंग शॉपिंग करनी हो तो सेल्स में कीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट आपको पड़ जाता है, बहुत अच्छी चीज़ें आपको बहुत कम रेंज में मिल सकती हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो है उनकी, मेरी जो भतीजी है उसकी शादी की शॉपिंग, जैसे लड़के वालों की तरफ से बरी होती है और पता नहीं लड़की वालों की तरफ से क्या होती है, जो भी होती है शादी की शॉपिंग होती है, वो भी आप लोगों के साथ मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, बल्कि जो जो भी शॉपिंग होगी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये थोड़ी थोड़ी सी शॉपिंग थी जो मैंने अभी इस वीडियो में शेयर किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कपड़ों की कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत ज़बरदस्त कपड़े हैं, आप लोग ज़रूर व्लॉग देखिएगा, और व्लॉग पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, आप चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।